और सूअर पालन शुरू करने के लिए बहुत ही कम बजट की जरूरत पड़ती है। आप एक सूअर की बात की जाए, कितने टाइम बाद वो बच्चे देने लगता है और एक वेट बेचने लायक वेट कब तक हो जाता है? 8 से 10 महीने के बीच कुलदीप जी वो बच्चे देने के लायक हो जाता है। सर एक सूअर लगभग 15,000 के आसपास, अगर वो 10 महीने का है तो आराम से बिक जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा फार्म हाउस और मेरा फार्म हाउस चैनल पर हम लगातार जो है किसानों से जुड़े, खेती से जुड़े नई नई जो है तकनीक हम आपको दिखाते रहते हैं। और इस बार हम आपको सूअर पालन से संबंधित जो है पूरी जानकारी देंगे। सूअर पालन क्या है, किस नस्ल की सूअर पालन हरियाणा में और आसपास के राज्यों में की जा सकती है, कैसे शुरू हो सकता है, तमाम जानकारियां मेरा फार्म हाउस चैनल के ज़रिए हम आपको देंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय नैन हैं जो कि हिसार सूअर फार्म हाउस में यहाँ कार्यरत हैं। उनसे पूरी जानकारी जानेंगे कि किस तरह से सूअर पालन का फार्म एक किसान शुरू कर सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है। कुलदीप जी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सर किस तरह से एक सूअर फार्म शुरू कर सकते हैं, यहाँ किस नस्ल का सूअर फार्म है? सर सूअर यहाँ पे लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल के सूअर हैं और सूअर पालन शुरू करने के लिए बहुत ही कम बजट की जरूरत पड़ती है। आप 1 से 1.5 लाख रुपए में 5 एनिमल के साथ सूअर फार्म शुरू कर सकते हैं। सर बात की जाए तो कोई किसान शुरू करना चाहता है, कैसे शुरू कर सकता है वो? सर किसान शुरू करना चाहता है वो या तो यहाँ राजकीय पशुधन फार्म में संपर्क करें, हम उसको इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे, या फिर वो उसके आसपास जो फार्म है वहाँ से बच्चे परचेज करके भी अपना ये शुरू फार्म शुरू कर सकते हैं। तो कितना बजट उसको चाहिए, किस तरह? 1 से 1.5 लाख रुपये में वो अपना शुरू कर सकता है 5 एनिमल के साथ सूअर फार्म। तो जैसे उसने सूअर फार्म शुरू किया, उसके बाद की तमाम जानकारियाँ क्या है? वो 5 बच्चे लेकर आता है, उसके बाद कितने टाइम के बाद वो वेट गेन करते हैं, कितने टाइम उनको बेच सकता है, कितने टाइम बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं? अगर 1 से 1.5 लाख रुपए लगाएगा तो शुरू में ही प्रजनन योग्य बच्चे लेके आएगा जो 8 से 10 महीने के बीच में होगा जी। वो उनसे प्रजनन करने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को वो या तो दूसरे फार्मर्स को बेच सकता है जो कि अपना फार्म नया शुरू करना चाहते हैं, या फिर उनको बड़ा करके भी लोकल मार्केट में बेच सकता है जिससे वो अपनी आमदनी कर सकते हैं। तो लोकल मार्केट कहाँ है सर, कितने टाइम बाद उनको बेच? लोकल मार्केट तो सर एक तो आपके हर शहर में है, हर शहर में जो है लोकल कंजप्शन है, उसके बाद दिल्ली है, और उसके बाद अगर आपका जो फार्म बड़ा हो जाएगा टाइम के साथ तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी हरियाणा से काफ़ी सूअर वहाँ जाते हैं। तो सर एक सूअर की बात की जाए, कितने टाइम बाद वो बच्चे देने लगता है और एक वेट बेचने लायक वेट कब तक हो जाता है? 8 से 10 महीने के बीच कुलदीप जी वो बच्चे देने के लायक हो जाता है, उसमें उसका वजन 80 से 100 किलो के बीच हो जाता है। तो कितने टाइम बाद बच्चे दे देता है सर प्रेग्नेंट? वो तीन महीने का इनका 110 दिन का टाइम होता है। हाँ। उसके बाद वो बच्चे देता है और 2 महीने आप 1.5 से 2 महीने के बीच आप बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके बाद बच्चे आप फीड पर डाल दो या फिर बेच सकते हो या उनको बढ़ा कर। तो बड़ा होने के बाद लगभग कितना वेट किस टाइम में ले लेता है, कितने का एक सूअर बिक जाता है? सर एक सूअर लगभग 15,000 के आसपास, अगर वो 10 महीने का है तो आराम से बिक जाता है। सर उसकी बात की जाए तो हरियाणा में ये कहाँ कहाँ पिग फार्मिंग की सुविधाएं हैं अपने यहाँ गवर्नमेंट की? हरियाणा में पिगरी सरकार के सहयोग से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। NCR रीजन में बहुत पिगरी के बहुत फार्म हैं और वो दिल्ली में सप्लाई करके, दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से, और वो वहाँ सप्लाई करने के बाद अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो सर जैसे हिसार की बात की जाए, हिसार में पिग फार्म है, कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं उनको, क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? सर जब फार्मर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हम उन्हें मैनेजमेंट सिखाते हैं सर, कब इनको वैक्सीनेशन करना है, कब इनकी डिवर्मिंग करनी है, कैसे इनकी हैंडलिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, फीड क्या देना है, कितना देना है, इन सब के बारे में बताते हैं। तो लगभग कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? ये 11 दिन की ट्रेनिंग है सर। तो यहाँ से कोई बच्चे लेकर जाना चाहता है, कितने रुपये में उसको मिल जाता है, फिर वो आगे कैसे? सर हमारे यहाँ जो बच्चा है 2 महीने का बच्चा हम 1300 रुपये का देते हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से स्कीम है, सब्सिडी रेट में यहाँ मिलता है, जबकि उसका मार्केट रेट लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच होता है। कोई अन्य योजनाएं भी हैं सर सूअर पालन शुरू करने के लिए? हाँ सर, सूअर पालन शुरू करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी पे लोन किया जाता है, जिसमें एक फार्मर को 10 बच्चों के लिए लोन मिलता है, 10 बड़े उसके लिए सूअर के लोन शुक्र के। सर इस नस्ल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या नस्ल है? सर ये लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है जो कि यॉर्कशायर से इंडिया में इंपोर्ट हुई थी 1958 में, जब ये फार्म शुरू हुआ था तो ये
नस्ल वहाँ से आएंगे, इंग्लैंड से। हाँ, इंग्लैंड से जी। आगे इसके बारे में क्या? और ये बहुत जल्दी वेट गेन करती हैं और इसके बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस फार्मर इस नस्ल को प्रेफर करते हैं। तो तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, ये लार्ज साइज़ यॉर्कशायर नस्ल है जो कि इंग्लैंड से ख़ास तौर पर 1958 में जो है इंडिया में लाई गई थी। उसके बाद जो है इंडिया में इसका जो है पालन शुरू हो गया था। खासकर बात की जाए तो हरियाणा में इस तरह की सुअर पालन का जो है बहुत कम होता था पिछले सालों की बात की जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादातर सुअर पालन होता था, वहाँ इनकी कंजप्शन भी अच्छी होती थी। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात की जाए तो हरियाणा और उसके आसपास एनसीआर में इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसी के साथ हरियाणा में जो है बेहद बड़ी मात्रा में पिग फार्मिंग शुरू हो गई है। पिग फार्मिंग में एक किसान बिल्कुल कम लागत में जो है अपना फार्म शुरू कर सकता है, बेहद ही कम लागत में वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए 5 जो है शुअर का उनको उस फार्म शुरू करने के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें से भी अगर वो चाहे तो बैंक के ज़रिए जो है पशु जो डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए संपर्क करके जो है बैंक से लोन ले सकता है। 10 शुअरों के लिए एक बार में जो है किसान को लोन मिल सकता है। वहीं बात की जाए तो जैसे ही किसान फार्म शुरू करेगा 1 साल के बाद लगभग सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी इनकम 5 शुअरों से शुरू हो जाती है। बने रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ, हम लगातार आपको किसानों से जुड़ी नई नई तकनीकों के बारे में रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी आपको नई नई जानकारियां आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद।